आप आराम से बहुत गर्म है। सबसे पहले जानना चाहेंगे सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके सफर, जैसा कि आपने सीरियल से शुरुआत किया रावा कर ले प्यार कर मैं विलन आ जी, तो उसके बारे में कुछ अपने बारे में बताया था। वेल, मेरी शुरुआत हुई वीरा से। वीरा में मैंने एक पंजाबी कैरेक्टर प्ले किया, हालांकि मुझे पंजाबी उस टाइम पे आती नहीं थी। मैंने पंजाबी सीखी और वो अभी तक चल रहा है और लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। एक हफ्ते के अंदर ही वो कैरेक्टर इतना फेमस हो गया था और दो महीने बाद मुझे उतरन ऑफर हुआ कलर्स का, सबसे पुराना शो। उसमें बहुत अहम किरदार निर्भय, आउट एंड आउट विलन। वीरा में बख्तावर और निर्भय दोनों एक दूसरे से अलग किरदार हैं। और उसके बाद मुझे कर ले प्यार कर ले मिली, तो तीनों साल भर में तीन कैरेक्टर्स मुझे करने को मिले जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो काफ़ी मज़ा आया। एज एन एक्टर मैं काफ़ी इम्प्रूव हुआ हूँ। तो कर ले प्यार कर ले में भी आप विलन एज ए विलन ही रहे? या इट्स एन आउट एंड आउट विलन और शहर का सबसे पावरफुल इंसान बताया। इज लाइक ए लायन, डीजी उस कैरेक्टर का नाम है, डीजी यानी पावर। तो कैसे मिली आपको ये फिल्म, खासकर जो सुनील दर्शन जी जो प्रोड्यूसर है फिल्म के? जी जी, तो कैसे इंटरेक्शन हुआ खासकर से? वेल, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उतरन साइन करने के बाद उतरन के ऑफिस से मैं निकल रहा था और मुझे फिल्म के जो डायरेक्टर हैं राजेश पांडे जी, उन्होंने मुझे देखा और मुझे रोका और मुझसे पूछा कि आप एक्टर हैं? आई सेड यस। वो मुझे ऑफिस लेके गए, सुनील जी से मिलाया, दोनों डिस्कस करने लगे। फिर राजेश जी मेरे पास आए कि क्या तुम इस कर ले प्यार कर ले में मेन विलन का रोल करोगे? सो मेरी तो खुशी के ठिकाने नहीं थे। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि ये रोल एक मैच्योर रोल था, एक बाप का किरदार मुझे निभाना था। बेटा जो मुझसे कुछ ही साल छोटा है, वो किरदार करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, बट मुझे उसके लिए वेट बढ़ाना पड़ा। एक महीने में मैंने करीबन 6-7 kg वेट बढ़ाया और सुनील जी ने पूरा लुक डिसाइड किया कि क्या इसका किस तरह से ये दिखेगा, कैसे कपड़े पहनेगा। तो हर चीज़ पे सुनील जी ने काफ़ी डिटेल में वर्क किया। सारी मेरे कॉस्ट्यूम्स वगैरह लंदन से खुद शॉपिंग करी उन्होंने। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को बताया कि ये सब मुझे चीज़ें चाहिए। मुझे याद है एक स्पेशल सीक्वेंस है फिल्म में जहाँ पे मुझे धोती कुर्ता पहनना है। वो धोती कुर्ता 5-6 बार ट्राई किया गया, धोती सही नहीं आ रही थी, कभी कुर्ता सही नहीं आ पा रहा था। वो रिच लुक सुनील जी को नहीं मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने 5-6 बार कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को बोला कि नहीं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। फाइनली 6-7 कॉस्ट्यूम ट्राई करने के बाद वो लुक उनको मिला और फिर उन्होंने उसको अप्रूव किया। किरदार आपने नेगेटिव करा, बट फिल्म्स में आपके लिए क्या पॉजिटिव होने वाला है? बहुत उम्मीदें हैं। ये किरदार नेगेटिव है बट लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज भी होगा उसमें, तो उम्मीद करता हूँ लोगों को पसंद आए। बॉम्बे शहर में हजारों लोग आते हैं हीरो बनने, बट मैं एक्टर बनने आया हूँ। तो लोगों से मेरी यही अपील है, यही अपने दर्शकों से चाहूँगा कि मेरे काम को देखें, उसे पसंद करें। तो पहले से ही जहन में था कि मुझे या नेगेटिव या विलन, क्योंकि जो मेरा लुक्स है उसके हिसाब से मुझे विलन का कैरेक्टर ज़्यादा शो करेगा, मतलब ज़्यादा अच्छा लगेगा स्क्रीन पे ऊपर? नहीं, ऐसा मेरे दिमाग में कभी नहीं था। मुझे हमेशा से ये था कि मुझे अच्छा काम करना है। काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रहा था बट मुझे अच्छे रोल्स जो मुझे चाहिए थे वैसे मिल नहीं रहे थे। और फाइनली मुझे टेलीविजन में ब्रेक मिला, बख्तावर का रोल मुझे पसंद आया। बख्तावर नेगेटिव नहीं था, वो एक आशिक मिजाज
जिसे बोलते हैं उस टाइप का कैरेक्टर था, तो शुरुआत मेरी उससे हुई। उत्तरण में निर्भय, थोड़ा लालची, नेगेटिव उसको बोल सकते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहती कि मैं अलग अलग रोल्स करूँ। रूबी, सीरियल की बात हुई तो सीरियल में तो ज्यादा करके डायलॉग के ऊपर ही विलेन निर्भर रहता है, डायलॉग पर, बट अब जब फिल्मों की बात होती है तो उसको एक्शन भी, एक्शन वगैरह भी करने पड़ते हैं, वो कितना कम्फर्ट रहा, कितना चेंज रहा आपके लिए? स्कूल टाइम से मैं काफी म्यूजिकल थिएटर में इन्वॉल्व रहा, प्लेस भी मैंने किए, मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ अपना पढ़ाई के लिए, वहाँ पे मैंने दिल्ली म्यूजिक थिएटर ज्वाइन किया, तो मैं काफ़ी म्यूजिकल थिएटर करता था जब मैं दिल्ली में था, तो एक बॉडी में रिदम नेचुरली है मुझ में, और एक्शन मेरे लिए बहुत इजी है ऐसा मुझे लगता है, और वो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। प्रोमोज में कुछ शॉट्स भी हैं जो एक्शन काफ़ी काफ़ी डेंजरस है, और मेरे लिए वो काफी इजी था। जी जी, अब तो ऐसा दौर आ गया है कि जहाँ पे विलेन को भी लोग प्यार करते हैं, चाहे वो प्रकाश राज हो या फिर सोनू सूद हो, तो ये कहीं ना कहीं खुशी की बात है, विलेन का भी रोल आज लोग पसंद कर रहे हैं, प्यार करते हैं, वो समय आ गया। मतलब मुझे जो रेस्पॉन्स मिला है निर्भय से, निर्भय आउट एंड आउट विलेन था, आज आई डोंट नो बट पीपल लव बैड गाइस, सो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये इतने डिफरेंट शेड के रोल्स मिले और लोगों का प्यार मिला जी। और कर ले प्यार कर ले से भी मुझे वही उम्मीद है कि लोग इसे पसंद करें जी। लोग फिल्म देख के निकलेंगे तो क्या क्या एक चीज लेके जाएंगे आपके द्वारा, आपके आपके कैरेक्टर या रोल को तो वो बाहर नहीं? टेरर, टेरर, इतना इतना खतरनाक आदमी, इतनी खूबसूरती से इंडस्ट्री में बहुत टाइम बाद पिक्चराइज हुआ है। विलेन की जो एंट्री जिस तरीके से डायरेक्टर ने एस्टैब्लिश की है, आई मीन वाह, इट्स ग्रेट। रूमी जी, जैसा कि विलेन की आपने बात की, तो हमेशा विलेन का एक अलग ही लुक होता है फिल्म में, अलग ही मेकअप होता है। जी जी, उसके बारे में बताएं सर। यस यस, किस तरह का लुक होगा आपका विलेन, मतलब किस तरह के विलेन बनेंगे, लोगों को डराएंगे, सताएंगे, प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे? ये लुक की बात जहाँ तक आई, जब मुझे याद है पहला दिन जब सुनील जी डिसाइड कर रहे थे कि इसका क्या लुक होगा, तीन चार लुक ट्राई करने के बाद फाइनली एक लुक पे डायरेक्टर ने हाँ करी, और सुनील जी को इस बारे में पता नहीं था। हम लोग फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे, वहाँ एक कॉरिडोर था, शूटिंग का पैकअप होने के बाद डायरेक्टर ने बोला, रूमी जस्ट एक वॉक पूरा कॉस्ट्यूम में विद गेटअप, सिर्फ एक वॉक करके बताओ, बिकॉज ये डीजी इतना इम्पॉर्टेंट रोल है, डीजी के आते ही फिल्म का पूरा मूड चेंज हो जाता है, तो ये बहुत अहम किरदार था सुनील जी के लिए भी। मैंने सिर्फ वॉक किया, वॉक में ही सब ने ताली बजाई थी कि यस दिस इज डीजी। क्या बात है। ओके रूमी जी, और आपने एक बात कही कि आप जो है इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट लुक को लेके आना चाहते हैं, तो हम ऐसा कुछ मान सकते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट ऐसा कुछ भी करके आप अपनी एक इंडस्ट्री में एक पहचान, एक छाप बनाना चाहते हैं, ऐसा मान सकते हैं? मैंने ऐसा सोचना है कि आई एम ए डायरेक्टर्स एक्टर, डायरेक्टर्स की जो डिमांड होती है मैं उस पर वर्क करता हूँ, जो मुझे स्क्रिप्ट मिलती है, जिस तरह का रोल होता है, फिर मैं अपनी तरफ से सोचता हूँ कि इसमें मैं क्या अपने इनपुट दे सकता हूँ, तो आई एम ओपन टू ऑल रोल्स, जैसा किरदार मुझे मिलेगा मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उसे निभाने की, उसे अच्छे से अच्छा करने की जी। जैसे निर्भय, उत्तरण में जब निर्भय मिला था, वो लैंग्वेज मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, मुझे याद है 10 दिन तक मैंने उस लैंग्वेज के वीडियोस निकाले, और 10 दिन तक रूम में सिर्फ मेरे म्यूजिक प्लेयर पे वो लैंग्वेज चलती थी, उसके डायलॉग्स चलते थे, ताकि मैं पूरा उसमें एब्जॉर्ब हो जाऊँ, उसको अच्छे से समझ पाऊँ, उसका टोन पकड़ पाऊँ, और फिर मैंने निर्भय किया, तो कोई भी बोल नहीं सकता कि ये लैंग्वेज उसको नहीं आती थी, तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि वो रोल को मैं अच्छे से निभाऊँ। और कैसे देखते हैं खासकर आज के लिए विलन, जो विलन के किरदार होते हैं वो पहले से कितने डिफरेंट हो गए, उस चीज को कैसे देखते हैं, कितना बदलाव देखते हैं, खासकर जो पहले होता था, जो अमरीश जी
या अमजद खान ये सब करते थे, और आज कितना बदलाव हो गया। हाँ, पहले के टाइम जो जिस तरीके से विलन होते थे, आजकल तो हीरोज खुद नेगेटिव कर रहे हैं, तो थोड़ा स्कोप कम हो गया है, बट टाइम वापस आ रहा है। जो विलन उस टाइम पे जिन लोगों ने छाप छोड़ी थी, अब वो टाइम फिर से आ रहा है। सो उम्मीद करता हूँ कि हम भी कुछ उसी तरीके का, उन्हीं उन्हीं के लेवल का कुछ काम कर सकें। रूमी जी, क्योंकि आपकी डेब्यू फिल्म में आप विलेनियस रोल कर रहे हैं, तो आपको लगता है आपको एक आगे की फिल्मों में भी ऐसा ही रोल मिले, या आप नहीं चाहते कि शाहरुख खान की तरह आप भी रोमांटिक हीरो बने या एज एन लीड एक्टर है? मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, और जहाँ तक है हीरो के रोल का सवाल, तो ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के ऊपर है। अगर उस रोल में मैं फिट होऊंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हूँ। और चलते चलते एक आखिरी सवाल, जैसा कि आपसे बात करने से पता चला कि 3 साल में 3 कैरेक्टर आपने ही कहा, एक कैरेक्टर, तो कुछ अपने फ्यूचर प्लान के बारे में भी कुछ देखते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि आगे कैसा कैरेक्टर होगा, जैसा कि आपने कहा कि एक्टर बनना चाहते हैं आप, या आगे कोई ऑफर है आपको, सुपरस्टार की लाइफ में बिलीव करते हैं, ऐसा कुछ फ्यूचर देखते हैं, मेरा ऐसा कहना है। हर आदमी यहाँ कामयाब होने आया है, अच्छा काम करने आया है, तो अच्छे काम की हर किसी को तलाश है। मेरे पास अभी तक जितने ऑफर्स आ रहे हैं, दी बेस्ट रोल्स में उनमें से चुनता हूँ और उन्हें अच्छे से निभाता हूँ, तभी लोगों का प्यार मुझे एक साल में इतना प्यार मिला है कि आगे बहुत सारे ऑफर्स हैं भी मेरे पास, पाइपलाइन में चल रहे हैं, वो अभी रिलीज के बाद मैं डिसाइड करूँगा कि आगे मुझे क्या करना है। फिलहाल मेरा पूरा कंसंट्रेशन कर ले प्यार कर ले पे, और रही बात रोल्स की, एज एन एक्टर हमेशा डिफरेंट करना चाहूँगा। थैंक यू। गर्मी बहुत कैमरे का कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि एसी और फैन चलेगा तो कैमरा नहीं चलेगा। सीरियल किए हैं तो पता है कि कितना साइलेंस रखना चाहिए, कितना क्या, आई नो एवरीथिंग।